बिल्कुल फैमिली तो सब कैसे है भाई, होता सबके साथ हूँ यार। तो से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो मेरे चैनल पे नहीं आने वाली है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तो आज मैं कुछ बात आपसे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाय मैंने बनाई तो मैंने सोचा था चले साथ साथ में आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, साथ साथ में अपनी चाय को भी फिनिश कर लूँगी। तो दाल को फिर से ला दिया है तो मैंने एयर माते का चैनल देख रही थी, जिसपे वो प्रेगनेंसी के बारे में बहुत खिला खिला कर कह रही थी। तो वो माँ बेटी बैठ जाती हैं और मेरे बारे में बातें करना शुरू हो जाती हैं। तो वो शायद तो मुझे तो पराठे बना रही थी, जिस तरह वो कह रही थी मैं मम्मी का ये पानी निचोड़ ली, निचोड़ निचोड़ के निकालूंगी ना, इसी तरह मैं उनको भी निचोड़ निचोड़ के उनको भी धोऊंगी। तो ये सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा कि ये किस तरह की औरत है और ये किस तरह की बातें करती है अपने किचन में खड़े होकर, सास ससुर भी इसकी चल रही होती है और साथ साथ ये है कि लोगों के बारे में इस तरह की बातें भी करती है। तो प्रवीण आंटी का मैं खुद भी जो चैनल देखती हूँ, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, वो वही बयान करती है जो हर शिक्षक से मबनी होता है और कभी उसमें भरते हैं कभी बर्बाद नहीं होती। तो अब वो कह रही है कि आपकी बीमारी को लेके मैंने अपनी निवासी की बीमारी का बहाना बनाया है, तो जबकि वो बीमार है और उन्होंने तो कोई आपसे कोई डॉलर थोड़े मांगे थे, आप हमें डॉलर भेजो ना, तो एक बात ही होती जिस पर आपने इतना बड़ा इशू उठा लिया। तो ये गलत बात है कि किसी ने पर्सनल बातों में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले आप अली बीच के बारे में बोलती रही हैं, तो मैं वहाँ रही हूँ, तो रमज़ान में रही हूँ, मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा है उनका। तो मैं भी अगर उनके चिट्ठे बच्चे जो आप बोलते हैं मैं फोन लेके आऊँ तो मैं बहुत कुछ बोल भी सकती हूँ, लेकिन आपने बहुत कुछ बता भी दिया है अपने व्यूवर्स को, जगह जगह लफ्जों में आपने बता भी दिया है उनको कि वो क्या है। जैसा कि आपने कहा कि मैं रमजान शरीफ में वहाँ गई, उनके पास सुखराने पाक नहीं था, उनके पास दरोजे पाक नहीं था, पानी सोता नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान के घर में खुराने पाक ना हो और पानी सोता ना हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, जबकि मुसलमान के घर आप गई हो तो जाहिर बात है वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती होगी, लेकिन हो सकता है आपने क्या चीज़ नोट किया जब आपने के नेगेटिव वाली साइड पे आप आ गई हो। अब आप कहती हो मैं बहुत कुछ जो है ना मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले जो है ना वो बात उधर से शुरू हो तो फिर मैं करूँगी। तो ये जो है ये जो आप कहती हूँ कि ये व्यूज़ हासिल करने के लिए सब कुछ कम हो रहा है, तो व्यूज़ तो आप भी हासिल करने के लिए कर रही हैं। पहले अलीवीर से कहने पे आपने सब कुछ कहा किया, उनके बहन भाइयों को आपने गंदा बोला, उनके पेरेंट्स को आपने गंदा बोला, ये कहाँ से इंसाफ है, उससे कहने पे आपने सब कुछ किया। तो अब आप जो है ना प्रवीण अंकल के पीछे पड़ गई है, तो जो उन्होंने वीडियो में तो बोला है वो भी मैं आपके आगे जाते हैं आप उनके साथ शेयर करूँगी। परवीना जी ने उसके सवालों का क्या जवाब दिया है, तो उसने सही कहा जो कहा है, मैं अग्री हूँ जो उसने बोला है। हर बंदे को हक है वो अपने चैनल पे बैठ के वो जो मर्जी बोले, किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो क्या उसके पर्सनल मामला में जो है ना वो क्या आप उसे। दूसरी बात ये है कि हाँ जी, दूसरी बात जो मैंने बोली थी वो ये बोली थी आपने जो पुराने पाक का जिक्र किया है कि वो पुराने पाक उनके घर में नहीं था, तो मेरी बात से उन्होंने नया घर बनाया, तो नया घर बनाया जब तो जब आप घर में सामान शिफ्ट करते हो ना तो सबसे पहले आप मिलाज शरीफ करते हो, अगर मिलाज शरीफ नहीं है तो अगर आपके घर में पुराने पाक है तो सबसे पहले आप उस घर में पुराने पाक को रखा जाता है ताकि उस घर में बरकतें नाजुल।
बरकत वाला हूँ, जो भी काम करे उसमें बरकत पैदा हो। तो ये तो मेरे बिल्कुल भी मानने में बात नहीं आती उनके घर में ना। उनके बाप हो गई उनके खिलाफ, तो आप जो है ना उनके खिलाफ तो आपने बातें आप करनी ही करनी। किसी का मैं चैनल देख रही थी, वो यही कह रही थी, बल्कि ये आंटी पर मेन है, वो यही कह रही थी कि आपने फ्रिज जो लेकर दिया, तो उन्होंने सही कहा, आपने फ्रिज जो लेके लिया, फ्रिज ना लेके देती, आप पुराने पाता दिया कर देती हूँ, तो आप पुराने पाते ये कर देती। रमजान शरीफ का महीना था, आपको सवाब मिलता और आप पाँच होता उनको लेकर दे देती, तो ये आप पाँच होता रखो अपने पास घर में बनकर। तो बस मैं आप उनके साथ जो है ना, जो कि मीना जी ने बातें की है वो मैं आप उनके साथ शेयर करती हूँ, तो उन्होंने क्या बोला है। बालों को काला, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने 50 साल की उम्र के बाद बालों को सफेद किया है तो बच्चों के सफेद हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे ये जिंदगी दी है। बेटियों की शादियां देखी, बेटों बेटे की शादी की है, दूसरा ये अल्लाह ताला ने नवासियां दी है, अल्लाह ताला बेटे को भी साहिब औलाद करेगा, सबको अल्लाह पाक सारी खुशियां नसीब करे। आमीन। और इसने तो ना बच्चों की शादी करनी है, क्योंकि ये नानी दादी बनेगी तो ये बूढ़ी हो जाएगी, इसने तो करनी नहीं। दूसरी बात, मैं इसको मुखातिब करके कहती चलो ये मेरी बेटियों जितनी होगी, बल्कि छोटी छोटी होगी, होगी, क्योंकि इसको छोटे बनने का बहुत शौक है। जब औलाद जवान हो जाए ना तो फिर इंसान बच्चा नहीं रहता, हो सकता है ये मेरी परी जितनी हो, जिसके जिसकी बीमारी का इसने मजाक उड़ाया, मुझे 3 साढ़े 3 साल की हो। हाँ, ये अब मैं इससे मुखातिब हूँ, ये थप्पड़ बीबी आप उस वक्त मारती जब आप अली वीर के कहने पे उसकी माँ जैसी बहन के साथ कर रही थी, उसके भाइयों के साथ कर रही और थी। मुझे रात को बता रही थी कि मैनर्स इसी से पता चल गया, तो तेरे मैनर्स का तो पता आपके मैनर्स का तो मुझे तभी पता चल गया था जबकि 2 साल पहले लोगों की माँ बहन को एक औरत होकर इतनी बदतमीजी किसी के किसी को अनारकली बताती है, अनारकली कह रही थी, कभी किसी को कुछ कह रही थी। और ये डायरेक्ट लड़ाई इसने ली उसके बाप को, इसने मुनाफक बुढ़ा पता नहीं क्या क्या उसके उसको कहा, फिर बाद में ये सीधी लड़ाई पे उतर आई दिलावर हुसैन के साथ, उसकी बीवी को अनारकली पता नहीं इसने क्या क्या कहा क्या क्या नहीं, फिर वो डायरेक्ट हुआ इसको, इसको गालियां दी उसने भी, इसके माँ बाप को भी गालियां दी, इसको भी गालियां दी, क्योंकि मरना चाहिए था। थप्पड़ अपने आप को तू उस वक्त मारती जिस वक्त तू ये कुछ कर रही थी फेम के लिए। दूसरी बात, तू अब मैं तुझे जो बात बताऊंगी ना उस पर तू थप्पड़ भी अपने आप को मारती और बाल भी नोचती, इसलिए कि तू एक माँ बुजुर्ग बकौल तेरी उम्र के वो तेरी नानी जितनी होगी अली की माँ, और उसका बाप तेरी नानी नाना या दादी दादा जितना होगा, जिनको तू अली वीर के कहने पे बुरा भला कह रही थी। अब तू भाग के गई है उर ब्लॉगर के पास और उधर जाके कह रही है कि मेरी यूके वाली ने तस्वीर बना के लगाई है जिसपे हमने बात की थी, कि पहली बात उसको लगानी नहीं चाहिए थी, अगर लगाई भी है तो तूने तो किसी की शादी की लड़ाई की लगा दी और तू हमें आ गई इस्लाम सिखाने के लिए और लड़ने के लिए आ गई मैदान में, मैदान में आ गई हमारे साथ लड़ने के लिए। अब तू जाके उधर कह रही है अली वीर के घर तो पुराने पाक नहीं था, मैंने फंसूता मांगा, इनके घर में फंसूता नहीं था, इनके घर में ये नहीं था, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो पहले तो तू दिलावर से इनके साथ करती सारा कुछ, उसके बाद तूने उनको फ्रिज लेके दी, फ्रिज ना लेके देती, पुराने पाक लेके देती, पता चल गया था। हाँ, तुझे पता चल गया था उनके घर में पुराने पाक नहीं, हो सकता पूरे लहिए माही में ना हो, क्योंकि बकौल आपके उनके घर में मंसूदा क्या पुराने पाक भी नहीं, और वो लोग रोजा भी नहीं रखते, वो अलग और उनका मामला था, हो सकता कोई बीमार हो ना रोजा रख रहा हो, तो आप रोजा रखती हैं तो आपके रोजे अल्लाह ताला कबूल करे, जो नहीं रख सकते अल्लाह ताला वो तो ठीक दे। और तू हर बंदे के ऊपर ऐसे उंगली उठाती जिस तरह तू उनके मामे की बेटी है या चाचे की बेटी है, तू पर्सनल लड़ाइयां लेने आ गई। 5 दिन पहले जातियात पे ना उतरो, हाँ। खुद तुम जातियात पे उतर तो जाती मैंने अपनी बेटी से, बल्कि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा छोड़े लड़ाई है, एक बात होती है वीडियो पे जब हम किसी की बात देखते हैं तो बात करते हैं हमारी कौन सा किसी के साथ पर्सनल लड़ाई है, इसने हमें आके पहले तो गलत कमेंट किए है, शेम ऑन यू, अब मुझे तुम लोगों पे शर्म आ रही है, शर्म तो तुम्हें पूरे माशरे माशरे को आ रही है तुम पे, जो तुमने अली वीर की फैमिली के साथ किया है सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। और अब अभी कुछ लोग भी कह रहे हैं व्यूज हासिल करने, कुछ लोग भी कह रहे हैं व्यूज हासिल करने के लिए, हम लोगों ने तो बात नहीं की, व्यूज हासिल करने के लिए इसने पहले फटा डाला है और इसने बात शुरू की है, क्योंकि इसको कोई टॉपिक और नहीं मिल रहा था मिलने के लिए और मनाने के लिए, जब उसने ब्लॉक कर दिया इसको तो
तो अब इसको ये दुख हो गया जी मैं इतना कुछ लेके गई थी तो मुझे कुछ उन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये तो पिट रहे थे उस वक्त ही कि उसने तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उस वक्त तुमने सोने की चीजें निकाल के दिखाई थी मुझे, उन्होंने ये दिया वो दिया, तो दिया होगा हमें कोई नहीं है। अब तू उनके और बुराइयां करने आ गई एक ब्लॉगर के पास जो 3 महीने से वही जूता उठा के बैठा हुआ था अलीवीर के ऊपर, किसने पैरों पे जूता उठाया, हम तो कभी किसी के एलवी में गए ही नहीं है ना, कभी हमने गफूर भाई की एलवी में देखा क्या हुआ। ठीक है, उसी लाइन में जिसमें इसके प्यारे भाई को जूते दिखाए गए थे और वो गफूर भाई कहते थे कि मैं जूता जो है अलीवीर के ऊपर हर वक्त मैं जूता रखूंगा, किसी रिश्ते की तो लाज रख लेती। आप इसको जब उन्होंने मुंह नहीं लगाया उसको, ने पर्सनल कभी इसके साथ लड़ाई नहीं रखी, लोगों ने इसको ढोलकी ढोलकी कहा, ढोलक कहा, बहुत कुछ कहा, और हम लोगों ने यही बात की कि गलत बात है, किसी भी औरत की जातियात पे नहीं उतरना चाहिए, इस तरह उनके नाम नहीं रखना चाहिए। देख ले हमने कभी किसी के लिए गलत अल्फाज कभी नहीं, और ये क्या करेगी मुझे तो समझ नहीं लग रही, पानी निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे, तुम्हारी इतनी औकात है, पहले भी उसको कर रही थी दिलावर हुसैन को धमकियां दे रही थी, हमें धमकियां ना दो, हमारे तो खुद सारे अदालत में बुलाते हैं, मेरा देवर खुद वकील है, अल्लाह का शुक्र है हमको गए गुजरे नहीं, और अल्लाह का शुक्र है मेहनत करके कमाती है, तुम्हारी तरह नहीं इतनी अमीर भी बन रही हो और साथ में बैठ के व्यूज हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है, पहले उसको दी दिलावर हुसैन को नहीं कर क्या सकती, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। चलो मैं लाहौर में रहती हूँ, आज गुंडे डलवा लो जो मुझे डलवा सकती हो ना, मेरे बेटे हाईकोर्ट में मुलाजिम है दोनों, मैं तुझे बता देती हूँ, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो मैं तुझे वो भी बता दूँ, मेरा मामू वकील है, मेरे चाचू वकील है, मेरी कजन जज है, तुमने क्या करवाना है, मेरी सिस्टर पुलिस ऑफिसर है, हाँ, क्या करवा लो करवाना? मैं अगर तुझे मेरे से एड्रेस मालूम है, तुझे अपने लाहौर का अपने घर का एड्रेस देती हूँ, तू कर जो हमारा कर सकती है, तुम्हारे साथ कुछ बिगाड़ नहीं सक रही, जो तेरे साथ इतने बड़े बड़े अल्फाज यूज कर रहे हैं तू है इस काबिल, तू पंगा लिया है, अपने आप को पता नहीं समझती क्या है, आ जा तू पाकिस्तान आ, हम तो उधर आ नहीं सकते, तू पाकिस्तान आ, जिस तरह लिया आई है ना भागती, इधर भी आ जा लाहौर में भी आ जा, लाहौर कोई दूर नहीं है। दूसरी बात ये, आज तक हमने किसी की बहन माँ किसी को बंदे को यूज करके उसके खानदान को सलील नहीं किया, जिस तरह तुमने अली वीर को हथे चढ़ा के उसकी माँ उसकी बहन को, जब इसने घटिया कमेंट किया, शेम, तुझे पता है शर्म किसको कहते हैं, तुझे शर्म होती है एक माँ एक बहन और एक औरतों पे भाभियों पे बातें न करती, उसकी बीवी को अनारकली तक कहती रही, उसको टकला कहती रही, उसको क्या कुछ नहीं इसने कहा, पंगे ही नहीं लेती, नहीं वही ना इसको इस्तेमाल कर करके तो वो अपनी माओ बहनों को गालियां निकलवा, तू जरा आ बात कर हमारे साथ, तू वीडियो बना हमारे खिलाफ, फिर देख हम तेरे साथ करते क्या है, हमें भी बहुत वीडियो बनानी आती है, बड़ी हमें हमारी भी जबान है, तू हमें क्या दिल सिखाएगी, तुझे अब मैं दिल सिखाऊंगी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे नानी बनाया, खुद दिखाया, अब जरा हमारे खिलाफ वीडियो बना, फिर तुझे मैं बताती हूँ तू क्या चीज है, तू धमका, हमारे व्यूअर्स ने हमें मैसेज किया कमेंट किया है कि आप लोगों को इसने धमकाया, हमें बहुत बुरा लगा है, हमने कभी आज तक बदतमीजी नहीं की, पीछे चले जाओ 2 साल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ थी, मैं बच्चों को कभी बदतमीजी नहीं करने देती, तेरी तो तरबियत सामने आ गई है, तूने एक गैर बंदे के लिए उसकी माँ पहले तरबियत सामने आई, आज की तरबियत सामने आई है, वही ना, तू एक गैर बंदे की लड़ाई में तू खुद उसको माँ नहीं छोड़ी, उसकी बहन उसकी भाभी उसका कोई रिश्ता नहीं छोड़ा, तू पंगा डाल हमारे साथ जरा, तुझे मैं बताऊंगी, इतनी बड़ी तू यूट्यूबर की बनी हुई है, तू इतनी डॉन, तुझे मैं बताती हूँ, ये मेरी वीडियो सुन, मुझे पता है तू जाती है मेरी वीडियो पे, सुन जरा, फिर आगे मेरे खिलाफ वीडियो डाल, फिर तुझे मैं बताती हूँ। हाँ जी, वीडियो आप लोगों ने वॉच कर ली है, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूके में बैठ के जो मर्जी उसके मुँह में आए वो बोलती जाए, अगर जो उसके पास है इतने इख्तियार तो इन लोगों के पास भी है, जैसे वो कह रही थे हमारे भी अपने जज हैं, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो अब देखते हैं कि आप अगला स्टेप इलाम आके जा उठाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।